सूरतपुर जिले के बिहारपुर तहसीलदार संजय शर्मा के नेतृत्व में खाद गोदामों के औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम नवा टोला के खाद विक्रेता प्रेमलाल के गोदाम में 79 बोरी डीएपी खाद तथा ग्राम कुबेरपुर में मोतीलाल यादव के खाद दुकान से 700 बोरी 35 टन अन्नदाता जीवो खाद बिना किसी वैध दस्तावेज के मिलने पर उसे जब्त करने की कार्रवाई की गई। सुकमा जिले में चिंता गुफा थाना क्षेत्र के करगी गुंडम इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने 3 किलो का आईईडी बम लगाया था। इसे सीआरपीएफ 150 वाहिनी और कोबरा की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर बरामद किया। इसके बाद सहायक कमांडेंट गौतम चंद्र के नेतृत्व में आईईडी बम को निष्क्रिय किया गया। रायगढ़ जिले में सारंगढ़ तहसील के तिलाई मुड़ा गांव की महिला जयंती ने सारंगढ़ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि 11 जुलाई को बुधवारा चौहान अनीता चौहान आकाश चौहान और राधिका चौहान ने रंजिशवश गाली गलौज करके प्रार्थिया द्वारा मना करने पर चारों ने अचानक हमला करके अकेली औरत को बेरहमी से मारा पीटा जिससे उसे कई स्थानों पर चोट आई है। छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस पुष्पांजलि शर्मा का सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री तीर्थ के बाद बस वापस लौट रही थी, इसी दौरान बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में अभिनेत्री की मौत हो गई। बैंक में नकली सोने के जेवर गिरवी रखकर फर्जीवाड़ा करने वाला शातिर चोर अंजुरा में पकड़ा गया है। आरोपी करीब 400 ग्राम नकली सोने के जेवर लेकर आईसीआईसीआई बैंक अंजोरा पहुंचा था। बैंक मैनेजर को जेवर पर संदेह हुआ तो उसने सोनार से जेवर की जांच कराई। जांच में जेवर नकली निकला। इसके बाद उसने अंजोरा चौक की पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले में धमदा ब्लॉक मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम रौंदा में लकड़बग्घों ने रात में एक घर में हमला कर दिया, जहां लकड़बग्घों ने 11 बकरियों को मार डाला। बता दें कि बाड़े में कुल 21 बकरियां बंधी हुई थी। गुरुवार को खाद की कालाबाजारी की सूचना पर कृषि व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। लंबे समय से शहर में खाद की अवैध वसूली व भंडारण को लेकर विभाग को सूचना मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए गुरुवार को दोनों विभागों की संयुक्त टीम द्वारा अलग अलग दुकानों में दबिश देकर जांच की गई। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम तिलसीवा में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे आशीष गुप्ता नामक आरोपी को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ कर आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। सुपेला स्थित राजपूताना होटल में रुके दुर्ग निवासी प्रबल कुमार झा से मिलने पहुंचे उसके 2 दोस्तों ने झा का क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए निकालकर प्रार्थी का मोबाइल लेकर फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर सुपेला थाना पुलिस ने मामले की जांच कर प्रार्थी के दोनों दोस्तों नीरज तिवारी एवं महेश देशमुख को पकड़कर प्रार्थी के मोबाइल सहित क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए 2 मोबाइल को जब्त किया है। रायगढ़ जिले के सरिया थाने की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कंचनपुर बैरियर के पास ओडिशा की ओर से होंडा साइन मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर आ रहे किरोड़ीमल नगर रायगढ़ के युवक योगेश कुमार साहू को पकड़कर उसके कब्जे से 15,000 रुपए कीमत का 3 किलो गांजा व तस्करी में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है।
रायगढ़ जिले की घरघोड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम चार भाटा में घर के सामने रखे ट्रैक्टर के दो नग लोहे के कैच बिल को चोरी करने वाले दो आरोपियों डाबर खान व रामदेव चौहान को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। आरोपियों ने ट्रैक्टर कैच बिल को चोरी के लिए छोटा हाथी वाहन का उपयोग किया था। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा थाना की पुलिस ने महिला द्वारा आत्महत्या करने की जांच के दौरान मृतका के पुत्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 3,000 रुपए के लिए अपनी मां की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया था। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा शहर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर के गुरु नानक वार्ड में रहने वाली प्रार्थिया के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवि मनहरे को भाटापारा शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दोपहिया वाहन एवं ऑटो रिक्शा चोरी करने वाले अपचारी बालक सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 नग दोपहिया वाहन व 1 ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया है। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने रायपुर शहर में निवासरत विभिन्न व्यक्तियों द्वारा फ्लिपकार्ट एवं स्नैपडील से ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए गए बटनदार धारदार घातक व अन्य किस्म के चाकू जमा कराए गए हैं। अब तक अलग अलग व्यक्तियों से कुल 50 नग बटनदार धारदार घातक एवं अन्य किस्म के चाकू को जमा कराया गया है। रायगढ़ जिले की लैलूंगा पुलिस ने जशपुर जिले की युवती से दुष्कर्म के आरोपी अजय चौहान तथा अपराध में उसके सहयोगी रहे कन्हैया सिदार उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अजय ने प्रार्थिया से फेसबुक पर दोस्ती कर शादी करने का झांसा देकर मिलने के लिए अपने गांव बुलाया और अपने सहयोगी के साथ बाइक में बैठकर गोली ले जाकर धमकी देकर रात भर दुष्कर्म किया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित एलएलपी फर्म में काम करने के दौरान करोड़ों रुपए अपने वर्षदारों के खाते में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने वाला अकाउंटेंट को तेलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एलएलपी फर्म अकाउंटेंट का काम करने वाले आरोपी विकास सिंह परिहार ने फर्म के खाते से 2,12,69,342 रुपए अपहरण कर अपनी व अपनी पत्नी सहित रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। कोरबा जिले के पसान थाना अंतर्गत कोरबी पुलिस चौकी के ग्राम मांझापारा दुलापुर के एक घर में संदिग्ध अवस्था में मृत मिले वृद्ध के शव के मामले में पुलिस ने जांच उपरांत उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। छोटे भाई द्वारा कनपट्टी में भारी वस्तु से हमला कर घटना को अंजाम दिया गया था। बिलासपुर की सरकंडा थाना पुलिस ने घर में काम कराने के बहाने 13 वर्षीय छात्रा को घर में बुलाकर उससे दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी दुर्गेश यादव को रायपुर के सिलतरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरबा जिले के SECL के गेवरा खदान से प्रभावित नरई बोध और गंगानगर के विस्थापित बेरोजगारों के लिए कोयला खदान में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने SECL प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम डंगनिया में गुरुवार को रात लगभग 9:30 बजे कच्चे माइन से आयरन ओर ले जा रहे एक ट्रक ने ग्राम डंगनिया में सड़क के किनारे बैठे 7 मवेशियों को रौंद दिया है।
रायगढ़ शहर के अंदर हेमू कलानी चौक के पास गुरुवार की शाम तेज रफ्तार कार ने एक पैदल राहगीर को ऐसी ठोकर मारी कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लाश भी पूरी तरफ फंस गई थी, जिसके बाद लोगों के सहयोग से निकाला जा सका। धमतरी जिले की कुछ राइस मिलों द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने में रुचि नहीं दिखाई, ऐसे मिलरों के खिलाफ जिला खाद्य अधिकारी ने मिलर के खिलाफ कार्रवाई कर धान जब्ती की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से राइस मिलरों में हड़कंप सा मचा हुआ है। बालोद जिले के निपानी सहकारी बैंक गबन कांड मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक तामेश्वर मंडावी ने कोर्ट में सरेंडर किया है, जिसके बाद विभागीय प्रोसेस पूरा करने के बाद बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निलंबन के बाद पूर्व शाखा प्रबंधक 4 माह से फरार बताया जा रहा था। किसानी सीजन को देखते हुए एक युवती खाद के नाम पर ठगी करने लगी। युवती स्वयं को जनपद पंचायत का अधिकारी बताकर दुर्गुकोंदल अंतागढ़ व भानु प्रतापपुर विकास खंड के समूहों से संपर्क कर उनसे हजारों रुपए की वसूली की है। जब खाद नहीं मिली तब समूहों को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसे पकड़ दुर्गुकोंदल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। धमतरी शहर से लगे ग्राम सेरहा डबरी के पास नेशनल हाईवे में सड़क के किनारे विशाल सालों पुराना पीपल पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। सड़क के बीचों बीच पेड़ के गिरने से दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। लंबी दूरी तक वाहनों की कतार लग गई, इससे लोगों में लंबे समय तक हड़कंप मचा रहा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में गुरुवार को 15 साल की लड़की का कंकाल मिला है। लड़की 16 दिन पहले राशन लेने के लिए निकली थी, इसके बाद से लापता बताई जा रही थी। लड़की का कंकाल उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर तालाब किनारे झाड़ियों में मिला है। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में लोगों ने एक हत्या के आरोपी को रात में सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। लोगों ने उस पर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया, फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। बताया जा रहा है मरने वाला आमिर खान आदतन अपराधी था और लेन देन के विवाद के बाद मामला हिंसक हो गया था। जांजगीर चांपा जिले के जय जयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरानी में छोटे भाई पर मोबाइल और बाइक को लेकर प्राण घातक हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र में ग्राम जगरवा में नाबालिग बेटी को प्रेमी के साथ नदी किनारे आपत्तिजनक हालत में देख पिता का खून इस कदर खौला कि युवक के भागते ही उसने डंडे से पीट पीट कर बेटी को मौत के घाट ही उतार डाला और पुलिस व गांव वालों को गुमराह करते बेटी के गायब होने की कहानी गढ़ डाली। पुलिस की कड़ाई से आरोपी शनिराम ने अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले के बगीचा जनपद पंचायत के फुलझर गांव में पीडीएस राशन की हेराफेरी में सन्ना पुलिस ने सरपंच सचिव सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कलेक्टर रितेश अग्रवाल के निर्देश पर संयुक्त प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने राशन कालाबाजारी के प्रकरण की जांच की थी। इस मामले में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिलासपुर की चकरभाटा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ी सवारी ऑटो को चोरी करने वाले आरोपी अनिल नायक को पकड़कर उसके पास से चोरी का ऑटो बरामद कर लिया है।